Lecture number 5, acceptance. First of all, agreement enforcement by law, that is the contract. Offers plus acceptance plus enforceability. ये तीनों मिला के कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो हमने देखा पहला स्टेप है, दैट इज द ऑफर. कॉन्ट्रैक्ट करने का पहला स्टेप है वो ऑफर होना चाहिए. ए बी को बोलेगा, डू यू वॉन्ट टू मैरी विथ मी. ए इज द ऑफरर, बी इज द ऑफरी. बट वंस बी एक्सेप्टेड द ऑफर, ही बिकम द एक्सेप्टर. पहला स्टेप ऑफर होना चाहिए, दूसरा स्टेप एक्सेप्ट होना चाहिए. आपको मालूम होना चाहिए ऑफर दो चीज का हो सकता है, आइदर पॉजिटिव एक्ट दैट इज डू और नेगेटिव एक्ट दैट इज नॉट टू डू. एक्सेप्टेंस कैन बी ऑफ द डू और नॉट टू डू. मैं बीकॉम का क्लास नहीं करवाऊंगा, आप सीए का मत करवाना. मैं एक्स आइटम प्रोड्यूस नहीं करूंगा, आप वाई मत प्रोड्यूस करना. दैट इज नॉट टू डू. इसीलिए आपको यही एग्जाम्पल दिया है, आई विल नॉट प्रोड्यूस ए, यू विल नॉट प्रोड्यूस बी, आई विल नॉट सीए स्टार्ट सीए कोचिंग एंड यू विल नॉट स्टार्ट बीकॉम. दिस मे बी नॉट टू डू, दिस मे बी नॉट टू डू. सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस. आपका एक्सेप्टेंस कब वैलिड है? जब आपका एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट है, अनकंडीशनल है, अनक्वालिफाइड है. ऑफर कैन बी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कंडीशनल. इफ एक्सेप्टेंस इज कंडीशनल इट बिकम द काउंटर ऑफर, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस. मिस्टर ए ने मिस बी को बोला, डू यू वॉन्ट टू मैरी विथ मी. मिस बी ने बोला, मुझे एप्पल मोबाइल मिलेगा, एक्टिवा गाड़ी मिलेगी, 4G 5G नेट मिलेगा, डॉट डॉट डॉट, इतनी चीजें मुझे मिलेगी, देन आई विल बी एग्री. आई विल बी एग्री, दैट इज द काउंटर ऑफर. Certain conditions are added by Miss B. It's not an acceptance. Friends, remember that. आपको याद रखना चाहिए acceptance कभी conditional नहीं हो सकता. जैसा है जो है चलेगा, चलाऊंगी, ऐसा Miss B ने बोला है तो ही acceptance मानना है. और मिस बी ने ये सब कंडीशन रखी हुई थी, मोबाइल, एक्टिवा, लेकिन मिस्टर ए ने हा बोल दिया, देन इट कैन बी एक्सेप्टेंस बाय ए. ए ने बोला वैसे भी मुझे कौन हा बोलेगा, तो हा तो बोले बाद में देख लूंगा, क्या देना या नहीं देना वो तो मैं देखूंगा, जमाना तो वैसे ही चलता है. लेकिन यहां पे मिस्टर ए ने हा बोल दिया, इट मीन्स इट्स एक्सेप्टेंस बाय ए. देखो एग्जाम्पल दिया है, ऑफर कैन बी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस नॉट. इफ एक्सेप्टेंस इज अ कंडीशनल देन इट इज अ काउंटर ऑफर. एग्जाम्पल है, फर्स्ट मीटिंग में लड़के ने ऑफर किया था कि मुझे हाउसवाइफ चाहिए, इट इज अ कंडीशनल ऑफर, लड़का बोल सकता है. लेकिन गर्ल्स ने कंडीशन डाली है कि 4G नेट चाहिए, एप्पल मोबाइल चाहिए, एक्टिवा चाहिए, तो काउंटर ऑफर है. तो काउंटर ऑफर है वो ए एक्सेप्ट कर सकता है, चेंज इन द टर्म्स है. इसीलिए तो बॉय कैन एक्सेप्ट ओनली, बॉय कैन एक्सेप्ट द काउंटर ऑफर. नाउ गर्ल कैन नॉट एक्सेप्ट बिकॉज ऑफर कैन बी कंडीशनल, एक्सेप्टेंस कैन नॉट. इफ एक्सेप्टेंस इज कंडीशनल then it again can be accepted by the offerer. A can accept. Offer should be communicated. वैसे acceptance also should be communicated. दो पैर वाला टोमी गुम हो गया है, पास वाले चाचा ढूंढ के ले आए हैं, उसको मालूम ही नहीं है कि भाई वो पेपर में रिवॉर्ड का एड दिया था,
तो पास वाले चाचा कंसीडरेशन मांग नहीं सकते हैं क्योंकि ऑफर उसको मालूम ही नहीं था। वैसे एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। ए ने बी को बोला था डू यू वॉन्ट टू मैरी विथ मी, बी ने सोचा ओके हाई बोलना है लेकिन दो तीन साल बाद में बोलेंगे, अभी मैं पढ़ रही हूं। और ए ने दूसरी जगह पे अच्छा मॉडल मिला तो अरेंज कर लिया। वेदर बी कैन सी यू, नो नहीं, बी ने वो दिमाग में तो सोच लिया था उसकी हाई थी, ऐसा नहीं चलता है। सिर्फ आपने सोचा, आपने एक्सेप्ट किया, इट इज नॉट सफिशियंट। यू मस्ट कम्युनिकेट, यू मस्ट कम्युनिकेट ऑफरर को और उसके रिप्रेजेंटेटिव को। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए। एक्सेप्टर ने वो एक्सेप्टेंस ऑफरर को बोला होना चाहिए। एबीसी लिमिटेड कंपनी थी, उनका एक कमिटी मीटिंग हुआ। कमिटी मीटिंग में एक्स को एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किया गया। अपॉइंटमेंट लेटर ड्राफ्ट हो गया, चेयरमैन की साइन भी हो गई, लेकिन चेयरमैन वो अपने ड्रॉअर में लेटर भूल गया। वो एक्स तक लेटर पहुंचा नहीं था, लेकिन कमिटी मेंबर में से किसी ने एक्स को बोल दिया था भाई तू अपॉइंट हो गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक्स ने पूरे गांव में पार्टी दे दी। नेक्स्ट मीटिंग आई, फिर कमिटी डिस्कशन, चेयरमैन का भांजा सीए हो गया वाई, कमिटी ने वाई को सीए अपॉइंट कर दिया। वेदर एक्स कैन सी यू, नो। सिर्फ कमिटी में रेजोल्यूशन पास होना, सिर्फ लेटर ड्राफ्ट होना, लेटर में चेयरमैन की साइन होनी, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन वो लेटर एक्स तक पहुंचना है, वो एक्सेप्टेंस है। इसीलिए बोला है आपको ऑफरी को कम्युनिकेट करना है एक्सेप्टेंस टू द ऑफरर। ऑफरी मस्ट कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस टू द ऑफरर। वही एग्जांपल जो हमने भी देखा, एबीसी लिमिटेड है, एक अपॉइंट हुआ था, लेटर उसको नहीं दिया गया था, उसको बाहर से किसी ने बता दिया था, बाद में दूसरे सीए को अपॉइंट किया गया, तो क्या एक्स यू कर सकता है? ऑब्वियसली नो, एक्स कैन नॉट सू, एक्स यू नहीं कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेप्टेंस किसका बोर्ड में होना चाहिए। ऑफर में लिखा था आपको एक्सेप्ट करना है तो आप लिख के आंसर देना, गिव यू आंसर इन रिटर्न फॉर्म। आप लेटर ड्राफ्ट करके मुझे यस और नो बोलना, मेल करना, व्हाट्सएप करना, मैसेज करना, ऐसा कुछ भी आपको कंडीशन बोला है तो जिस कंडीशन में बोला है ना उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में बोला उसी फॉर्म में आपको एक्सेप्टेंस करना है। इफ इट इज गिवन इन ऑफर इट शुड बी एक्सेप्टेड इन रिटर्न, देन ओनली रिटर्न फॉर्म इट कैन बी एक्सेप्टेड। तो आप लिख के एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन अदर मोड में, दूसरे मोड में एक्सेप्ट हुआ है, ऑफर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, ऑफर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्शक ने दर्शना को बोला था कि भाई आज शाम को स्टेप गार्डन आने वाली हो तो मुझे फोन में यस लिख के रिप्लाई करो। दर्शना ने यस लिख के रिप्लाई नहीं दिया, फोन करके बोला यस मैं आने वाली हूँ। दर्शक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हैप्पी है, तो एक्सेप्टेंस इज वैलिड। वैसे नहीं, आपने गुड्स का ऑर्डर दिया था, आपने बोला मेल से कंफर्म करो, उसने मेल से कंफर्म नहीं किया, फोन करके कंफर्म किया, इट्स ऑल्सो आपको प्रॉब्लम नहीं है तो वैलिड। एक्सेप्टेंस डिस्क्राइब जो ऑफर ने बोला था उसी मोड में होना चाहिए, लेकिन अदर मोड में हुआ है, ऑफर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वैलिड, एक्सेप्टेंस इज वैलिड। बोला था रिटर्न में एक्सेप्टेंस करना, लेकिन आपने ओरली एक्सेप्ट किया, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, अपोज नहीं है, इट इज वैलिड। एक्सेप्टेंस कब करना है, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, इट विच टाइम इट शुड बी एक्सेप्टेड, विद इन रीजनेबल टाइम। टाइम स्पेसिफाइड किया तो स्पेसिफाइड टाइम में, स्पेसिफाइड टाइम नहीं किया है तो रीजनेबल टाइम में।
कई बार मिस ए मिस्टर बी को ऑफर करती है, ऐसा भी हो सकता है। मिस्टर बी सोच रहा था अभी मैं सीए कर रहा हूं तो बाद में एक्सेप्ट करूंगा, चार पांच साल के बाद मिस्टर बी ए के घर गया, उसको मालूम नहीं था कि वो मिस है या मिसिस है, वो ए के घर गया, वहां मैदान में छोटा लड़का खेल रहा था 3 साल का, उसने बोला मामा मामा आओ ना, समझ में आया तो अच्छी बात है, वो मिसिस ए का ही लड़का था। वेदर नाउ इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय बी, नो इट शुड बी एक्सेप्टेड इन रीजनेबल टाइम। बोला एक महीना तो एक महीना, बोला छह महीना तो छह महीना, दो दिन तो दो दिन, जो टाइम बोला है उसी टाइम में एक्सेप्ट होना चाहिए, नॉट अदर टाइम, नॉट मोर देन दिस स्पेसिफाइड है। तो कोई कंपनी का नया ईसीओ आएगा, मैं अभी अप्लाई कर दूंगा तो एक साल के बाद वो अलॉट करेगी तो नहीं चलेगा, मुझे लेना है तो लूंगा, वरना मैं मना भी बोल सकता हूँ। इसलिए आपको बोला है कि टाइम स्पेसिफाइड किया है तो विद इन द रीजनेबल टाइम एक्सेप्ट करो, स्पेसिफाइड किया है तो डेट टाइम, स्पेसिफाइड नहीं किया है तो रीजनेबल टाइम, लेकिन बिफोर ऑफर लैप्स। यहाँ एक ही शादी हो गई तो ऑफर लैप्स हो जाती है, बाद में भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। एक गर्ल है, उसने बॉय को ऑफर किया था मैरिज के लिए, लेकिन बॉय 5 साल के बाद एक्सेप्टेंस के लिए आया, एक चाइल्ड ने वेलकम करके बोला अंकल आओ ना, तो वो अभी एक्सेप्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ऑफर लैप्स हो गई थी, एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम में नहीं हुआ था। एप्लीकेंट ने जून में अप्लाई किया था, अलॉटमेंट कंपनी नवंबर में किया, एप्लीकेंट रिजेक्ट कर सकता है, मना बोल सकता है कि मुझे अभी ये से नहीं चाहिए क्योंकि रीजनेबल टाइम में आपने अलॉट नहीं किया है, रीजनेबल टाइम में आपने 60 दिन में अलॉट करने चाहिए, वो आपने नहीं किया है। वेदर साइलेंस इज एन एक्सेप्टेंस, नो। यस यमीसा का बोलेगा डू यू वॉन्ट टू मैरी विथ मी, यमीसा कुछ बोलेगी नहीं, चली जाएगी कॉलेज के गेट के बाहर, तो ऐसा यस मान लेगा, नहीं नहीं यमीसा ने आ बोला है, पूरी गांव में पार्टी देने लगेगा, पॉलिटिशियन की लड़की है हाँ बोल दिया, मेरे लाइफ में मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मनी मनी हो जाएगा, घूमे वे पेंगे एस करेंगे, डॉट 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 नहीं बोल रहा हूँ मैं सब। मेरा पॉइंट क्या है, वेदर यमीसा ने हाँ नहीं बोला है तो यस हाँ उसको मान सकता है, ऑब्वियसली नो, यस को ना ही मानना है, मूवी जैसा मत करना कि आंसर नहीं दिया तो यस, वो मूवी में हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं। मूवी में साउथ हीरो होता है, एक आदमी 10 कंपनी 50 लोगों को साथ में मारता है, रियल में लोग क्या है, मूवी को रियल में डालने जाते हैं, डालना सब रियल में डालो, बाइक भी उठाओ ट्रक से ऊपर। मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, कम टू द पॉइंट, सामने वाले ने आंसर नहीं दिया था हाँ बोल लो हाँ मान लो, ऐसा नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी अज्यूम दैट द ऑफर इज एक्सेप्टेड इफ द ऑफर हैज नॉट रिप्लाइड, ऑफर ने रिप्लाई नहीं दिया है तो हाँ मानना तो नहीं चलेगा। इन प्रीवियस कंडक्ट था तो यस को एमिथा ने रिंग पहले पहना ही दी थी, 14 फेब को अच्छा सा कार्ड दे ही दिया था, प्रीवियस कंडक्ट प्रीवियस एक्ट ऐसा ही था जहां से एविडेंस अवेलेबल था, तो यस ऐसा मान सकता है कि वो शर्मा दे इसलिए आंसर नहीं दिया था, किसकी हाई है, प्रीवियस एक्ट प्रीवियस कंडक्ट से मान सकते हैं। यहाँ पे मैगजीन का एग्जांपल है, आपके घर में न्यूज़पेपर डाल के मैगजीन डाल के वो बंदा जा रहा है, आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, बाद में भी वो डाल रहा है, पूरा साल डाल दिया है न्यूज़पेपर, और बाद में आपके पास सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आया, आपने बोला मैंने कहाँ बोला था, आपने क्यों डाला, ऐसा नहीं बोल सकते। आपने न्यूज़पेपर लिया था, रोज रीड किया था, उसको मना नहीं बोला था, उसका मतलब प्रीवियसली कंडक्ट आपका वैसा था कि आपको वो न्यूज़पेपर चाहिए, इसीलिए आप सब्सक्रिप्शन के लिए लायबल हो। नेक्स्ट दैट इज द एक्सेप्टेंस बाय एक्टर, एक्सेप्टेंस बाय एक्टर। कई लोग हैं वो आंसर नहीं देते हैं लेकिन कंडीशन फुलफिल कर देते हैं, तो बाय कंडक्ट बाय एक्ट एक्सेप्ट हो गया ऐसा आप मान सकते हो। स्कूल में आपका लिस्ट में नाम आ गया, आपने फीस भर दी, उसका मतलब बाय कंडक्ट बाय एक्ट
आपको स्कूल में एडमिशन चाहिए, जामनगर अहमदाबाद की बस पड़ी हुई थी एसटी में, बाहर बारिश को आ रही थी, आप अंदर जाके बैठ गए, आपको नींद आ गई, राजकोट के पास कंडक्टर ने बोला टिकट टिकट, आपने बोला ए मुझे जामनगर पहुंचा, क्यों मुझे राजकोट आना ही नहीं था। ऐसा नहीं चलता, आप वहां जाके राजकोट की बस में अंदर बैठे, बारिश की वजह से बैठे, धूप की वजह से बैठा, दैट इज नॉट रिलेवेंट। आप अंदर बैठे उसका मतलब बाय कंडक्ट बाय एक्ट आपने एक्सेप्ट किया हुआ है। कई लोग क्या करते हैं, बहुत धूप होती है बारिश होती है ना, शॉपिंग मॉल में और एटीएम में जाके बैठ जाते हैं, अच्छा सा ठंडक मिल रहा है, शॉपिंग मॉल का वह यूज भी बहुत लोग करते हैं। ए ने बी को ऑर्डर दिया मुझे गुड्स चाहिए शाम तक, बी ने आंसर नहीं दिया लेकिन गुड्स भेज दिया, दैट इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। इसीलिए कंसेंट असेंट वाज नॉट गिवन एक्सप्रेसली, आपने वर्ड्स में नहीं बोला था कि यस, लेकिन आपने एक तो कंडीशन ऐसा किया कि समय वाला सेटिस्फाइड हो गया, यू कैन अज्यूम दैट इट इज एक्सेप्टेड, ऐसा मान सकते हैं कि वो एक्सेप्ट हो गया। ट्रेडमैन ने कस्टमर को रिप्लाई नहीं दिया कि ऑर्डर में एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन गुड्स सप्लाई कर दिया, गुड्स डिलीवर कर दिया, तो उसका मतलब देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस इज वैलिड, एक्सेप्टेंस इज वैलिड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफर कब कंप्लीट होती है, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, और कब तक ऑफर रिवोक हो सकती है, कब तक एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है। एग्जाम्पल अच्छा सा दिया हुआ है, मिस्टर ए ने 11 फेब को मिस बी को ऑफर किया, अरे वो 40 30 डू यू वांट टू मैरी विद मी, मिस बी ने पूरा एक दिन सोचा, 13 फेब को एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट में डाला, पहले मोबाइल तो थे नहीं, और मिस्टर ए को 14 फेब को वो लेटर मिला, और 14 फेब को मिस्टर ए ने इंपॉर्टेंट डे समझ के पूरे गांव में पार्टी दे दी। ए ने 11 फेब को ऑफर की, 12 फेब को बी को वो ऑफर मिली, 13 फेब को एक्सेप्टेंस किया बी ने, और 14 फेब को ए को वो एक्सेप्टेंस मिला। ऑफर कब कंप्लीट होती है, जब ऑफरी को पहुंचती है, व्हेन इट इज टू द ऑफरी, व्हेन इट इज टू द ऑफर, दैट इज द 12th फेब, दैट इज द 12th फेब को आपका ऑफर कंप्लीट होता है। एक्सेप्टेंस दो पार्ट में कंप्लीट होता है, एक्सेप्टेंस दो पार्ट में कंप्लीट होता है, अगेंस्ट द ए एंड अगेंस्ट द बी, अगेंस्ट द ऑफर 13th फेब जब बी ने पोस्ट के डब्बे में डाला, अगेंस्ट द ए 13th फेब जब बी ने पोस्ट के डब्बे में डाला, अगेंस्ट द बी जब ए को पहुंचा, जब ए को पहुंचा। ऑफर कंप्लीट व्हेन दिस इज टू द ऑफरी, एक्सेप्टेंस कंप्लीट व्हेन एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी अगेंस्ट ऑफरर, एंड अगेंस्ट ऑफरी व्हेन दिस इज टू द ऑफरर। ए के अगेंस्ट में जब बी ने पोस्ट के डब्बे में डाला, दैट इज द 13th फेब, बी के अगेंस्ट में जब ए को मिला, दैट इज 14th फेब। रिवोकेशन कब तक हो सकता है, ऑफर कैन बी रिवोक बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय बी, यानी 13th फेब, बी ने हाँ बोला उससे पहले ए बोल सकता है कि अभी अच्छा नया मॉडल है, मुझे आपसे नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ना है। रिवोकेशन ऑफ द ऑफर बिफोर 13th फेब, रिवोकेशन ऑफ द ऑफर बिफोर 13th फेब, 13th फेब क्या है, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफर, एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर। एक्सेप्टेंस कब तक हो सकता है, 14th फेब तक, That is acceptance against the offeree. Acceptance complete against the offeree. Repeat कर रहा हूं, A ने 11 फेब को ऑफर किया, 12 फेब को B को वो ऑफर मिला, 13 फेब को उसने एक्सेप्ट किया, ऑफर कंप्लीट हुआ है आपको 12 फेब को, ऑफर रिवोक हो सकता है 13 फेब से पहले। एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ अगेंस्ट द ऑफर अगेंस्ट द ए, दैट इज 13th फेब, against the B, that is the 14th fair. Offer can be revoked before 13th fair, acceptance can be revoked before 14th fair. 12th fair, that is the offer which is to the offeree. 13th fair, that is the acceptance by the offeree. 14th fair, that is the acceptance complete against the offeree. Acceptance complete against the offeree. A offerer hai, B offeree hai. एंड बी एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्टर है।
ऑफर दिया 11 फेब को, मिला 12 फेब को, एक्सेप्ट किया 13 फेब को एंड मिला 14 फेब को. रिवोकेशन हो सकता है ऑफर का बिफोर 13 फेब एंड एक्सेप्टेंस का बिफोर 14 फेब. इंग्लैंड में एक बार एक्सेप्ट करने के बाद रिवोक नहीं हो सकता, इंडिया में चलता है. आप एक्सेप्ट करने के बाद रिवोक कर सकते हैं. एक्सेप्टेंस का एंड रिवोकेशन का लेटर दोनों साथ में मिलेगा तो रिवोकेशन वैलिड रहेगा. कौन से कंट्री के लॉ अप्लाई होंगे? इंडिया का ऑफर है, अमेरिका का ऑफर ही है. लॉ ऑफ कंट्रीज अप्लाई एट विच एक्सेप्टेंस इज रिसीव, जहां पे एक्सेप्टेंस मिला हुआ है. समझ लो कि अमेरिका का ए है, उसने जापान के बी को ऑफर किया, बी ने ऑफर एक्सेप्ट करके अमेरिका भेज दिया, तो लॉ ऑफ अमेरिका विल बी एप्लीकेबल. जहां पे एक्सेप्टेंस मिला है वहां का लॉ अप्लाई होगा. जहां पे एक्सेप्टेंस मिला है वहां का लॉ अप्लाई होगा. मैं यहां से ओबामा को अमेरिका ऑफर कर रहा हूं, उसने एक्सेप्ट किया, मैं जामनगर में था तो मुझे इंडिया का लॉ अप्लाई होगा. उसने एक्सेप्ट किया, मैं चाइना में था तो चाइना का लॉ अप्लाई होगा. एक्सेप्ट कहां किया जाता है? एक्सेप्टेंस के टाइम एक्सेप्टर कहां बैठा है वहीं के लॉ उसको अप्लाई होंगे. रिवोकेशन आप कैसे कर सकते हैं? तो रिवोकेशन कंप्लीट कब होता है? जो भेजने वाला है वो ट्रांसमिशन में रखता है, तब जिसको मिल रहा है उसको जब उसके नॉलेज में आता है तब, उसके नॉलेज में आता है तब. रिवोकेशन कैसे हो सकता है? सबसे पहले ऑफरर को इन्फॉर्म कर देने का कि भाई अभी मुझे नहीं चाहिए, आई नॉट रेडी टू परफॉर्म. सेकंड, टाइम खत्म हो जाता है तब, एक महीने में एक्सेप्ट करना ऐसा बोला, एक महीना खत्म हो गया. थर्ड, आइदर ऑफ द पार्टी का डेथ हो गया, वो पागल हो गया. फोर्थ, ऑफर की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ऑफर में बोला था इतना फीस भर देना, आपने फीस नहीं भरा है. फिफ्थ वन, देयर इज अ काउंटर ऑफर, ऑफरर को इन्फॉर्म कर दिया कि अभी कैंसिल कर रहा हूँ, टाइम खत्म हो गया, कोई भी एक पार्टी का डेथ हुआ, वो पागल हो गया, उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं की, और वेजिटेबल मार्केट की तरफ नेगोशिएशन किया, काउंटर ऑफर दिया. तो इतनी सिचुएशन में आपका ऑफर रिवोक किया जा सकता है, ऑफर रिवोक कैंसिल माना जाता है, रिवोक यानी कैंसिल. फ्रेंड्स, इफ यू नीड फर्दर वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लिंक टू ऑल योर फ्रेंड्स फॉर देयर फ्री स्टडी एट रिमोट प्लेसेस एंड होम. थैंक यू वेरी मच.